दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अजमेर के लिए एक बेहद ये खुश करने वाली खबर है कि अब आपको अपने वार्ड से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है और इसके लिए अब आपको कल से यानी कि शुक्रवार से आपके वार्ड के अंदर ही दो वाहनों को भेजा जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी की है, दो वाहनों में, जिसमें किराने का एक में सामान होगा और एक में कुछ फल फ्रूट्स और सब्जियां वहां तक पहुंचेंगी, जिससे कि वार्ड की जो सीमा है उससे निकलकर लोग बाज़ारों की तरफ ना आए। और जो कालाबाजारी की सूचनाएँ लगातार प्रशासन को मिल रही थी उसको भी रोकथाम करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला किया है। प्रशासन ने बैठक के अंदर ये निर्णय भी किया है कि किसी भी जितनी भी आवश्यक वस्तुओं की सामानों की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आम लोगों तक सहूलियत के साथ पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था तैयार की गई है। और अजमेर शहर के 60 के 60 वार्डों के अंदर दो दो गाड़ियां हर वार्ड के अंदर जाएंगी और उस वार्ड के अंदर घूमकर लोगों को सामान मुहैया कराएगी। प्रशासन का ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया है जब लगातार लोग बाज़ारों के अंदर आ रहे थे, भीड़ लगातार दुकानों, किराने के जो दुकानें हैं उनके ऊपर बढ़ रही थी और उनको रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती से ये फैसला भी कर लिया है। इसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर जो कलेक्टर हैं उनको आदेश दिए थे कि आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की जितनी भी ज़रूरत है उसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। इसके साथ साथ प्रशासन ने जितने भी रिटेल के स्टोर्स हैं इस वक्त अजमेर के अंदर, जैसे कि बिग बाज़ार जो हुआ, रिलायंस हुआ, इनके साथ भी वार्ता की है और इनके वार्ता के साथ में इनके यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम को तैयार करने की मंजूरी दे दी है जिससे कि यहाँ पर जो भी सामान का ऑर्डर दिया जाएगा वो सामान सीधे कई ग्राहक के घर पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि होम डिलीवरी की जो व्यवस्था है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी जो होम डिलीवरी की जो व्यवस्था अजमेर के अंदर है वो केवल बिग बाज़ार की ओर से दी गई है, रिलायंस की ओर से अभी ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। रिलायंस को ये मैनेजर्स जो रिलायंस के अजमेर के अंदर मौजूद हैं उनसे MPTV इंडिया की जो बातचीत हुई है उस बातचीत में उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था के ऊपर कंपनी काम कर रही है, लेकिन व्यवस्था आज या कल के दौरान पूरी तरीके से संचालित हो जाएगी और उसके बाद अजमेर शहर को डायरेक्ट होम डिलीवरी दे दी जाएगी, जिसके बाद में कोरोना महामारी से जो पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है वो लड़ने के अंदर कहीं ना कहीं हम एक आम लोगों तक सामान पहुंचाने में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे।